कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब 3 खास किस्म की सीरिंज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। मतलब ये हुआ कि वो 3 खास तरह की सीरिंज अब भारत से बाहर नहीं जाएंगी। भारत सरकार ने यह फैसला देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए लिया है। इस पर सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं भी धीमी ना पड़े, इसलिए ये फैसला लिया गया। सरकार चाहती है कि कम से कम समय में सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। हालांकि सरकार ने ये प्रतिबंध सिर्फ 3 महीनों के लिए लगाया है। जिन 3 सिरिंज पर ये आंशिक प्रतिबंध लगे हैं वो है 0.5 ml और 1 ml वाले ऑटो डिसेबल सिरिंज, 0.5, 1 ml, 2 ml और 3 ml वाले डिस्पोजेबल सिरिंज और 1 ml, 2 ml और 3 ml के RUP यानी रीयूज प्रिवेंशन सिरिंज। सरकार के इस फैसले से ऑल इंडिया सिरिंज एंड नीडल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नाराज हो गया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि वो नॉन कोविड साइज के सिरिंज के एक्सपोर्ट पर बैन न लगाए। आपको बता दें कि रिसर्च एंड मार्केट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में भारत में डिस्पोजेबल सिरिंज का बाजार 888.40 मिलियन डॉलर का था। साल 2026 तक इस बाजार में सालाना 13.28% की बढ़ोतरी होने की भी उम्मीदें हैं। साल 2026 तक ये बाजार 1,828.20 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। वहीं साल 2026 तक डिस्पोजेबल सिरिंज का ग्लोबल बाजार 11.19 बिलियन डॉलर का होने की उम्मीद है, जिसमें हर साल 5.6% की ग्रोथ की बात कही गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की वजह से सिरिंज की डिमांड में तेजी आई है और भारत सिरिंज बनाने के दुनिया भर में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। बढ़ती मांग के साथ कई सरकारी संस्थाएं भी इस बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बनी रहे।